तो हेलो एवरीवन, ये हमारा पहला फूड रिव्यू। आज दीघा में, दीघा के पास एक जगह है ताजपुर, यहाँ का सी फूड अच्छा रहता है, डिसेंट रहता है, फ्रेश आता है रोज, तो इतना खाते हैं घूमते हैं तो सोचा एक फ्रेश व्लॉग फ्रेशली फ्रेश सी फूड के लिए बनाया जाए। तो आज के मेन्यू में है हमारा यहाँ पे पोस्तो मुर्ग। ये पोस्ता का ग्रेवी रहता है, इसमें पोस्ता से बनता है, पोस्ता पॉपीस पोस्ता हम लोग पॉपी सीड्स को बोलते हैं, जो कि अरे साइड बिहार के साइड तो इसको इवन मिठाई में यूज़ किया जाता है, रसकदम अगर आप खाए होंगे तो। सेकंड आइटम है हमारा ये पोम्फेट, ये छोटा पोम्फेट है इसीलिए दो पीस ऑर्डर किया हमने, मसाला पोम्फेट। इसका साइज़ फ़िश का कुछ ऐसा फ्लैट जैसा होता है, पतला होता है और फ्लैट होता है फिश, सिंगल कांटा होता है, इसीलिए खाने में भी डिसेंट रहता है, बच्चे भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तीसरा आइटम है आज का हमारा झींगा प्रॉन, और ये जंबो साइज प्रॉन है, जो कि आपका बाटी प्रॉन इसका नाम है, बाटी इसका प्रिपरेशन जो होता है उस हिसाब से इसको नेम किया गया है। और चौथा जो है वो बहुत कॉमन है, आप लोगों ने ज़रूर खाया होगा, ये है चिली चिकन, गार्लिक चिकन। तो एक एक करके टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसा है। तो हमारा पहला आइटम है गार्लिक चिकन से शुरू करता है, सिंपल एंड ईजी। सिंपल फ्राइड, लिटिल स्वीट, टच ऑफ गार्लिक, मस्त है। दूसरा आइटम जो है हमारा पोम्फ्रेट, देखते हैं। ये जो फिश है इसमें चीरे मार के इसका मैरिनेशन अंदर तक भेजा जाता है, और इसमें जो होता है वो सिंगल कांटा होता है, तो आप ऐसे पील कीजिएगा तो आपको कांटा दिखेगा और इसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। मसाला बहुत सॉल्टेड जैसा है, बोले थे लाइट टेस्ट रखने, वैसा ही बनाया। पोम्फ्रेट का अपना हल्का सा स्मेली टेस्ट जो आता है वो है, बट वो फिश के साथ अच्छे से जाता है, तो बहुत डिसेंट टेस्ट है, बहुत अच्छा है। तीसरा आइटम जो है हमारा जंबो प्रॉन, इस प्रॉन को ट्राई करते हैं इसी में। पहले तो इसका ग्रेवी देखा जाए, एक और बार टेस्ट करेंगे। क्या कहना, प्रॉन देखते हैं हमारा, तो थोड़ा खाने का तरीका मैसी होता है, उसको ऐसे ही खाया जाता है, कोई उपाय नहीं है। तो ये रहा हमारा प्रॉन, बहुत फ्रेश है, हल्का भी स्मेल नहीं है जो कि जनरली प्रॉन में आ जाता है। लॉबस्टर और प्रॉन का ही डिफरेंस है, थोड़ा सा हार्ड फ्लेश रहता है प्रॉन का, और लॉबस्टर का थोड़ा सा स्वीट एंड सॉफ्ट रहता है, बहुत अच्छा है। हमारा जो फोर्थ एंड लास्ट आइटम है, बहुत लेट हो गया, बहुत भूख लग रही है, जल्दी जल्दी फूड रिव्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो लास्ट आइटम है ये है पोस्तो मुर्ग, अगर ये सही से बनाया जाए तो बहुत सही लगता है, तो इसका ग्रेवी पहले ट्राई करके देखते हैं। पोस्ता का जो क्रीमी फ्लेवर होता है वो क्रीमी फ्लेवर आया है, हल्का सा स्वीट है, और बहुत ज़्यादा मसाला का यूज़ नहीं किया गया है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप लामकाओ होटल जो हमारा है यहाँ पे, अगर आप आते हैं ताजपुर के साइड, तो यहाँ रुकिए और पोस्तो मुर्ग ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। प्रॉन भी इसका आप डिसेंट है, खा सकते हैं। इसी के साथ गुलाब जामुन का क्या, अपना फूड रिव्यू ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। सो साइनिंग ऑफ, गुड नाइट।